अस्सलाम वालेकुम, सेकंड ईयर क्या हाल है? डॉक्टर फातिमा हूँ, आई होप कि सब ठीक हो, पढ़ रहे हो यानी कि छुट्टियाँ गुजार रहे हो। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इस्क्यू एनल फोसा। इस्क्यू एनल फोसा का दूसरा नाम है इस्क्यू रेक्टल फोसा। प्रीवियसली इसको इस्क्यू रेक्टल फोसा भी कहा जाता था, लेकिन अभी जो है ना इसको इस्क्यू एनल फोसा कहते हैं। इस्क्यू एनल फोसा है क्या? क्या क्या आता है माइंड में? इस्क्यू एनल फोसा जो है एक स्पेस है, ये जो येलो कलर की आप देख रहे हैं, ये पूरी एक स्पेस है जो कि प्रेजेंट होती है ऑन बोथ साइड ऑफ द एनल कनाल। कि ये आपकी दोनों साइड्स ऑफ एनल कनाल पे ये प्रेजेंट होती है। हमने क्या कहा कि इस्क्यू एनल फोसा जो है इसका दूसरा नाम है इस्क्यू रेक्टल फोसा, और ये एक स्पेस है वेज शेप। अगर आप ये डायग्राम आपकी केएलएम में है और आप केएलएम खोल के देखोगे तो ये डायग्राम बनी हुई है। तो ये एक वेज शेप है रफली, और ये प्रेजेंट है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एनल कनाल, कि दोनों साइड्स एनल कनाल के ये प्रेजेंट है। और ये जो स्पेस है इसके अंदर है क्या? ये जो येलो येलो नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर है फैट। ये फैट से भरी हुई है, फैट से फिल्ड है। इस्क्यू एनल फोसा जो है, इस्क्यू एनल फोसा फॉर्मली कॉल्ड इस्क्यू रेक्टल फोसा प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कनाल, वेज शेप स्पेस बिटवीन द स्किन एंड द एनल रीजन। ठीक है, ये वेज शेप है। अब ये इस्क्यू एनल फोसा के रिलेशंस क्या हैं, कि इसके एंटीरियरली क्या होगा, इसके पोस्टीरियरली क्या होता है, इसके मीडियली क्या है, और इसके कंटेंट्स क्या होंगे? एक्सक्यूज मी, ये जरा हटा दें। हेलो, ये बीच में आ रहा है, ये बॉक्स आ रहा है, ये बॉक्स आ रहा है, जरा हटा दें। मेरी क्लास हो रही है, ये बीच में आ रहा है, ये हटाएं, ये कैसे हटता है? मैंने स्लाइड दिखानी है, ये इधर से। अच्छा, अब जो है ये वेज शेप है तो इसकी एपेक्स और बेस का क्या है? अगर आप इसकी वेज शेप देखें तो ऊपर से ये नैरो है और नीचे से ये ब्रॉड है। तो ये इसकी वेज शेप ये है कि एपेक्स इसका इसका सुपीरियरली होता है और बेस जो है ना इसकी इन लोअर उस पे होती है। तो एपेक्स ऑफ ईच फोसा लाइज सुपीरियरली वेयर एलिवेटर एनाई मसल्स अराइजेस फ्रॉम द ऑब्चुरेटर फेशिया। फेशियाज जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो आपकी केएलएम में नहीं लिखे हुए थे, तो इसलिए मैंने फिर उसके उसको पढ़ लिया था, और फिर मैं आपको वो बताऊंगी कि आपने कहाँ से पढ़ना है। इसक्यू एनल फोसा के बारे में ये है कि ये जो मसल है लिवेटर एनाई मसल, ठीक है, ये लिवेटर एनाई मसल्स जो हैं, लिवेटर एनाई मसल जहां से अराइज होते हैं वहां पे ये इट सुपीरियरली लाइज। इसक्यू एनल फोसा के बारे में ये है कि वाइट कहाँ से है, इंफीरियरली वाइट है और सुपीरियर नैरो है, फिल्ड विथ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये आपको बात समझ आ गई। अब इसक्यू एनल फोसा, ये जो दो एनल फोसा हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, ये करते हैं कम्युनिकेट किस तरह, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं? ये कनेक्ट ऐसे होते हैं एनल कनाल और टिप ऑफ द कॉक्सिक्स इसके होते हैं। टू इस्क्यू एनल फोसा कम्युनिकेट बाय मीन्स ऑफ डीप पोस्ट नेटल स्पेस, पोस्ट एनल स्पेस ओवर द एनोकॉक्सिजियल लिगमेंट। एनोकॉक्सिजियल लिगमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, कॉक्सिक्स भी पढ़ाई थी,
एनियन कोक्सीजुअल अ फाइब्रस मास लोकेटेड बिटवीन द एनल कनाल एंड टिप ऑफ द. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इस्कियो एनल फोसा. इस्कियो एनल फोसा का दूसरा नाम है इस्कियो रेक्टल फोसा, विच इज अ वेज शेप स्पेस. इट इज फिल्ड विद फैट. इट्स एपेक्स इज सुपीरियरली एंड बेस इज इट्स एपेक्स वेयर द लिवेटर एनाई मसल arises from the obturator fascia. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके boundaries के. इन स्पेस को ये जो है ये फोसा को किस तरह बाउंड किया हुआ है? मीडियली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, इंटीरियरली क्या है? एंटीरियरली, ये जो एंटीरियरली होगा, एंटीरियरली बॉडीज ऑफ द प्यूबिक बोन्स इंफीरियर टू ओरिजिन ऑफ प्यूबिक रेक्टैलिस. ये हमें नजर यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन इसके जो एंटीरियरली पड़ा होगा, एंटीरियरली जिसका रिलेशन है जी M18. अच्छा अच्छा ठीक है. एंटीरियरली हमने कहा कि बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन इंफीरियर टू ओरिजिन ऑफ प्यूबिक रेक्टैलिस, यहाँ पे हमें वो नजर नहीं आता, ये एंटीरियर रिलेशन है. फिर इसके बाद कि इसके अब पोस्टीरियरली क्या है, कि पोस्टीरियरली क्या चीज पड़ी? इसकी पोस्टीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है. Sacrotuberous और lower border of the gluteus. अच्छा, मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ, थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको दिखाती हूँ एक और पिक्चर जो मुझे बड़ी पसंद है. आप ये वाली अगर इसको देखें तो ये मुझे ज्यादा थोड़ी सी इजी लग रही थी. ये वीक है कि ये एक स्पेस है, वेज शेप है, बोथ साइड ऑफ द एनल कनाल पे प्रेजेंट है, एपेक्स है और इसकी बेस है. और इसके लेटरली क्या होता है? लेटरली इसकी स्कियम होगी और इंफीरियर पार्ट ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस होगा. ऑब्चुरेटर इंटरनस और स्कियम होगा. ये देखें, स्केल ट्यूब्रोसिटी है, ऑब्चुरेटर इंटरनस होगा. मीडियली, अब इसके मीडियली क्या होगा? मीडियली क्या हमें नजर आ रहा है? ये क्या थे? ये मैंने आपको उधर भी डायग्राम पे बताए थे, ये क्या है? ये स्फिंक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. ये इंटरनल है और ये बाहर वाले एक्सटर्नल है. तो मीडियली जो है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स होंगे, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स. और ये वाला मसल कौन सा है? लेटरली. सारा लेटरली यूं करके आएगा तो लिवेटर एनाई मसल्स हैं. ये आपकी बाउंड्रीज हो गई हैं. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इस्कियो रेक्टल फोसा एनल फोसा इज अ वेज शेप स्पेस प्रेजेंट ऑन द इस साइड पे भी होगा. ठीक है, इस साइड पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन द ईच साइड ऑफ द एनल कनाल बिलो द पेल्विक डायफ्राम. दिस स्पेस इज फिल्ड विद द फैट. इस स्पेस को किसने फिल किया है? फैट ने फिल किया है. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आखिर इसकी एनल फोसा की इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इसका क्लिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बना है भाई इसके, इसमें फैट क्यों है, क्यों पड़ी हुई है? इसकी फैट इसलिए पड़ी है, इट एक्ट एज अ क्लासिक, इट इज फिल्ड विद द फैट. एंड ये एक्ट किस तरह करता है कि ये जब फीकल मैटर पास होता है, इट अलाउज द एक्सपेंशन ऑफ द
rectum and anal canal during defecation. ये क्या होता है, जब स्टूल पास कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, ये अलाउ करता है, ये अब सारी बात है फैट है, फैट है तो वो पुश करेगा फैट को और अपनी जगह बनाएगा, यानी डायलेट होगा, स्पेस बनाता है, एक्सपेंड होता है रेक्टम भी और एनल कलार. ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है कि इस चीज की ये इम्पोर्टेंस है. इसकी शेप मैंने आपको बता दी थी कि शेप क्या है, इसकी शेप जो है वेज शेप स्पेस है, ये वेज शेप है, ये देखिए वेज शेप स्पेस है. अगर देखें लिवेटर एनाइमसल है जो कि लेटरली भी जाएगा, ठीक है, और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स ये लेटरली थे, एंटीरियरली क्या था, बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन थी, इंफीरियर टू ओरिजिन ऑफ प्यूबिक रेक्टैलिस. अब बाउंड्रीज के साथ फिर लेटरली बता दिया, मेडियली, मेडियली क्या है, सॉरी मीडियली क्या था, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और लिवेटर एनाइमसल है, और लेटरली क्या था, लेटरली है ऑब्चुरेटर इंटरनस इंफीरियर पार्ट, वो भी उसका इंफीरियर पार्ट, और इसकेम है ऑब्चुरेटर इंटरनस इंफीरियर पार्ट है उसका और इसकेम. मीडियली पता चल गया, लेटरली पता चल गया, इसकी पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली इंजेक्शन कहाँ पे लगता है, ग्लूटियस मैक्सिमस, पूरा मसल मिनिमस नहीं मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. इम्पोर्टेंस हमने पढ़ ली, ठीक है, इसक्यू रेक्टल फोसा में हमने इसका नाम पढ़ा, इसक्यू एनल फोसा का रेक्टल फोसा भी नाम है. दूसरा हमने पढ़ा, वी स्टडीड दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस इज ड्यूरिंग डेफिकेशन द एनल कनाल एंड द रेक्टम इट एक्सपैंड, it expand, it pushes the fat to pass stool or the person defecate. तो क्या होता है कि it expands, ये expand करता है ये fat, ये anal canal और rectum ये push करते, it push the fat and expands the anal canal and rectum while defecation. Boundaries, boundaries हमने क्या कहा कि एंटीरियरली क्या है, अब एंटीरियरली खुद आप इमेजिन करें कि एंटीरियरली इसको किसने कवर किया, एंटीरियरली क्या हो और पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या था, लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस एंड सैक्रो ट्यूबरस लेटरली क्या है, इसके और इंफीरियर पार्ट ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस. अब मीडियली पे आ जाए, मीडियली क्या है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड लिवेटर एनाइमसल्स, ये हो गया. अब ये डायग्राम देख लें, ये देखनी है या ये देखनी है, ये सेम है कोई, ये आपकी केएलएम वाली डायग्राम, ये आपने याद सुनी है. और ये क्या है, ये प्यूडेंडल कनाल, इसका दूसरा नाम है एलकॉक्स कनाल, ये दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होती है, इधर भी प्रेजेंट होती है और इधर भी प्रेजेंट. अब इसके बाद हमने पढ़ना है कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसमें क्या चीजें प्रेजेंट है, कंटेंट्स ऑफ इस्क्यू एनल फोसा. इस्क्यू रेक्टल पैड बिल्कुल आपको पता है कि इसके अंदर फैट है. दूसरा मैंने आपको कनाल दिखा दिए, प्यूडेंडल कनाल दिखा दिए जिसका दूसरा नाम है एलकॉक्स और इसके कंटेंट्स, ये इसके कंटेंट्स क्या है, इसके कंटेंट्स में क्या क्या आता है, आर्टरी नर्व और वेसल भी है, इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल्स. ये देखें इसकी, इसकी अगर आप देखें ये प्यूडेंडल कनाल, ये
both side, it is present on the both sides. The contents are, the contents of the ischiorectal fossa, sabse pehle, the first one is fat and pudendal canal. Pudendal canal, which has pudendal nerve, internal pudendal vessels. और इसके अंदर है posterior scrotal labia in female, nerves and vessels, inferior rectal nerve and vessels, perineal branch of fourth sacral nerve, perforating cutaneous branch of S2 and S3 nerves. ये आपका ये वाला जो रेड वाला है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है. दिस इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर. अगर आप इस तरह देखें पिक्चर तो इसके आइदर साइड पे होगा, बोथ साइड्स पे होगा. ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के बारे में मैंने कहा था, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. अब इसके बाद है फीचर्स हो गए, एपेक्स भी हो गए, इसके बाउंड्रीज भी हो गई, कंटेंट्स भी हो गए, और मैंने आपको ये भी बताया है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के बारे में बता दिया था कि सुपरफिशियल होते हैं और डीप होते हैं. सुपरफिशियल स्फिंक्टर्स होते हैं और डीप स्फिंक्टर्स होते हैं. अब इसके बाद आ जाएं आप, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. जो फैट फिल्ड है, द इस्क्यूएनल फोसा इज फिल्ड विद फैट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. द फैट सपोर्ट्स द एनल कनाल. हाउ डज इट सपोर्ट? इट बेसिकली एक्सपेंड, इट हेल्प इन एक्सपेंड वाइल डेफिकेशन. द फैट बॉडीज आर ट्रेवर्स बाय टफ fibrous band as well as by several neurovascular structures including inferior anal rectal vessels and nerves and two cutaneous nerves. Aur ye perforating branches S2 S3 and the perineal branch of S4. ye maine aapko contents mein hi iske bata diye the. maine aapko contents mein hi aur importance aapko pehle bata di thi कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कंटेंट्स हैं इसके और क्या बाउंड्रीज हैं और है क्या. अब जो है प्यूडेंडल कनाल, अब हम आ जाते हैं प्यूडेंडल कनाल पे. प्यूडेंडल कनाल का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द सेकंड नेम. इवन आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एलकॉक कनाल. एलकॉक कनाल इज हॉरिजॉन्टल पैसेज विद इन द ऑब्चुरेटर फेशिया, covers the medial aspect of the obturator internus and lines the lateral wall of the ischioanal fossa. ये हमारे पास है pudendal canal. बड़ा important है, इस पे question अक्सर Alcock's canal पे आता है. What is Alcock's canal? Pudendal canal पे आता है लेकिन कभी कभी नाम चेंज हो जाता है तो एलकॉक्स, इसका इसको इवन एलकॉक्स का नाम भी कहते हैं. अब ये डायग्राम आप देखें, ये बड़ी इजी सी डायग्राम है, इसको आपने याद करना है या इसको जरूर अगर एग्जाम में आता है कभी नोट, ब्रीफ नोट, तो आपने ड्रॉ करना है इसको. आपको कोई, अगर आपको ये डायग्राम आ गई तो आपको फिर इस तरह कंटेंट्स भी इसकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप इस कनाल को देखें, इस कनाल के अंदर जिस तरह डायग्राम में पहले था कि हमारे पास नर्व्स थी, वेसल्स थी. नर्व जो है ये प्यूडेंडल नर्व है, इसलिए इसको प्यूडेंडल कनाल, क्योंकि मेन प्यूडेंडल कनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर से मेन प्यूडेंडल नर्व गुजर रही है और प्यूडेंडल आर्टरी और वेन है, तो इसलिए इसका नाम प्यूडेंडल कनाल है, एलकॉक्स कैनाल. अब प्यूडेंडल नर्व, पेडेंडल नर्व को देखें तो ये आगे पेडेंडल नर्व जो पेडेंडल कनाल में जा रही है तो यहाँ पे ये ब्रांचेस दी थी, ये एक ब्रांच दी और इसके बाद इसने ये ब्रांच दी और इधर आके इसने दो ब्रांचेस दी.
जो इसने ब्रांच दी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस दी। उसके बाद उसने सेकंड ब्रांच तो दी वो है पेरिनियल नर्व, पेरिनियल नर्व दी। पेरिनियल नर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेरिनियल नर्व के आगे फर्दर फर्दर पेरिनियल नर्व दो में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व और डीप पेरिनियल नर्व। और आगे और ब्रांचेस दे रहे हैं पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व एंड वेसल्स, यही है, और मस्कुलर ब्रांचेस पेरिनियल। ये जो मैंने आपको कहा था कि पेरिनियल की दो ब्रांचेस होती है। प्यूडेंडल एल्कोक्स कनाल है क्या? फेशियल टनल इन लेटरल वॉल ऑफ द इस्क्यू एनल फोसा कंटेनिंग प्यूडेंडल नर्व इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स। फेशिया कवरिंग प्यूडेंडल कनाल is fused with the three fascias, lunate fascia, obturator fascia and perineal fascia. ये मैं आपको fascias अभी पढ़ाऊंगी। Fascia भी important है। देखिए ये diagram देखें, अगर किसी ने इसको थोड़ा सा पढ़ लो आप लोग, you have 2 minutes to revise जो मैंने पढ़ा है, और अपने साथ आप प्लीज सेकंड ईयर अपने साथ आप खोलें एटलस। एटलस के बगैर आप नहीं बैठेंगे, आपको नहीं समझ आएगी, चाहे जितना भी मैं आपको पढ़ा दूं, जितनी भी आप स्लाइड्स देख लें, जब तक आपके पास खुद एटलस नहीं होगी तो आपको एनाटॉमी इस तरह नहीं समझ आएगी। और सोना छोड़ दें सारे और जरा जाके एटलस खोल के देखें कि क्या क्या है उसमें। जो एटलस में है वही है, ये डायग्राम में जो बता रहे हैं वही है, इसके अलावा कहीं बाहर से नहीं आया हुआ। यू हैव 1 मिनट टू रिवाइज के अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, इसकी शेप क्या पढ़ाई, इसके कंटेंट्स क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यू हैव 1 मिनट, सेकेंड ईयर रिवाइज हो गया, चलें अभी आगे चलें। द इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी किस में पड़ी थी? कनाल अल्कॉक्स कनाल में। द इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी एंड वेन और नर्व भी है, ये तीनों अल्कॉक्स कनाल में पड़े हुए हैं। Nerve to obturator internus enter the canal at the lesser sciatic notch inferior to the ischial spine. Lesser sciatic, अगर आपको hip bone याद हो first year की, first year में greater sciatic notch और lesser sciatic notch पढ़ाई थी bone पे, hip bone पे, अगर वो आपको याद हो तो आपको पता चलेगा कि ये canal किस तरह obturator internus इस canal में at lesser sciatic notch किस तरह करती है ये। इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स एंड प्यूडेंडल नर्व सप्लाई एंड ड्रेन ब्लड फ्रॉम द एंड इनर्वेट किसे करते हैं, पेरिनियम। बेसिकली ये जो ड्रेनेज करती है, सप्लाई करती है नर्व वेसल, नर्व वेन, जो वेसल्स हैं और नर्व है, वेसल्स में आपकी आर्टरी और वेन आती है, ये किसको सप्लाई करती है, किसको इनर्वेट करती है, किसको ड्रेन करती है, पेरिनियम को। When the artery and nerve enters the canal, they give rise to inferior rectal artery and nerve, which pass medially to pass to supply the external anal sphincter and the perineal skin. इनको ये supply करती है। ये देखें किस तरह ये pudendal nerve गुजर रही है, फिर inferior rectal nerve को देखें, डीप और सुपरफिशियल। जो मैंने कहा था कि पेरिनियल नर्व्स जो हैं, सॉरी
ये जो आपको ये सारा आपको ये डॉटेड डॉटेड दिखाए हुए ना, ये आपको एक तरह से कनाल शो की हुई है जो मैंने आपको सेपरेटली दिखा दी है, एलकॉक्स कनाल या प्यूडेंडल कनाल। इसमें से प्यूडेंडल नर्व, प्यूडेंडल वेसल्स पास होती हैं। प्यूडेंडल नर्व, फिर उसके बाद प्यूडेंडल आर्टरीज, और उसके बाद आगे प्यूडेंडल नर्व क्या देती है, पेरेनियल नर्व। पेरेनियल नर्व की मैंने आपको बताया था दो ब्रांचेस होती हैं, सुपरफिशियल और डीप, ठीक है। और नर्व किस किस को ब्रांच देती है, और कौन सी है, पोस्टीरियर स्क्रॉटल नर्व, और फीमेल में लेबियल होगी और मेल में स्क्रॉटल होगी, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ना कहना आप लोगों ने कि जी मेल में भी लेबियल स्क्रॉटल नर्व, नहीं, आपने जरा सोचना है कि मेल में स्क्रॉटल है, पोस्टीरियर स्क्रॉटल है, और फीमेल में लेबियल है। ये डायग्राम देखिए आपकी केएलएम की है। थोड़ा सा कनाल के बारे में होगा बताया। एंटीरियर एंड ऑफ द प्यूडेंडल कनाल द आर्टरी एंड नर्व बोथ बाइफर्केट giving rise to perennial nerve and artery which are distributed to superficial pouch inferior to the perennial membrane and to the dorsal artery and nerves of the penis or clitoris. ye main aapko bata chuki hu, female mein clitoris hai, male mein penis hai, which runs in the superior to the membrane. when the structures reach the dorsum, when the later structures that reach the dorsum of the penis or clitoris, the nerve runs distally, distal pe jati hai, lateral side, aur ye continue ho jati hai internal pudendal artery mein, jo ki glands of penis ya glands of clitoris. ye apne yaad karna, ye important hai ki तरह आती है, किस तरह डिविजन्स हो रही होती है, ये देखें। अगर आप इतनी लंबी चौड़ी आप दास्तान ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये करना है कि सप्लाई किधर किधर हो रही है और किधर आके वो किस तरह डिवाइड होती है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कि पुडेंडल नर्व, पुडेंडल आर्टरी, पुडेंडल वेन किसमें है, एलकॉक्स कनाल में या पुडेंडल कनाल। पुडेंडल नर्व डिवाइड होती है पहले किसमें, सबसे पहले इन्फीरियर एंड रेक्टल नर्व एंड वेसल्स में, ये देखें इन्फीरियर रेक्टल नर्व और वेसल्स। पहले हमने नर्व को देखना है, फिर उसके साथ साथ वो आ रही है तो डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस को भी देती है और पेरेनियल नर्व को देती है। पेरेनियल नर्व आगे मतलब दो में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल और डीप, सुपरफिशियल और डीप, सुपरफिशियल डीप है। आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ पेनिस, ये जो पीनस लिखा है फीमेल का आपने, फिर क्लाइटोरस करते हैं और फिर इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल नर्व और वेसल्स, दो इंफीरियर रेक्टल नर्व और वेसल्स हैं इसके, और पोस्टीरियर ये हो गया। अब जो है इसके बाद हमने पेरिनियल नर्व पे आ जाना, हमने क्या पढ़ा, रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर आई होप कि आप लोग जरा प्लीज अपनी ये केएलएम खोल के ये डायग्राम अपने सामने रख लें, डायग्राम सामने रखें, एटलस खोलें। इस्क्यू एनल फोसा, इस्क्यू एनल फोसा इसकी रेक्टल फोसा वेज शेप है, फैट है, इम्पोर्टेंस यूरिन डेफिकेशन, एनल कनाल एंड रेक्टम एक्सपेंस, डायलेट होते हैं, कंटेंट्स फैट, सबसे इम्पोर्टेंट प्यूडेंडल कनाल विच कंटेन्स प्यूडेंडल नर्व, प्यूडेंडल आर्टरी, प्यूडेंडल वेन। प्यूडेंडल नर्व आगे फर्दर अपनी ब्रांचेस देता है, ब्रांचेस कौन कौन सी देता है, इन्फीरियर रेक्टल नर्व एंड
डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस आर्टरी वेन, डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस पेरिनियल नर्व, पेरिनियल नर्व दो में डिवाइड होता है, सुपरफिशियल एंड डीप। अब हमने पेरिनियल नर्व पढ़ दिया जो के दो में डिवाइड हो रही थी, सुपरफिशियल और डीप। पेरिनियल नर्व हैज टू ब्रांचेस, सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व एंड डीप पेरिनियल नर्व। सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व, ये सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व है और ये डीप पेरिनियल नर्व होगी। सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व गिव राइज टू पोस्टीरियर स्क्रॉटल और लेबियल ब्रांचेस। सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व किस किस को देती है? पोस्टीरियर स्क्रॉटल और लेबियल क्यूटेनियस को देती है। और डीप पेरिनियल नर्व जो के ये देखें मस्कुलर ब्रांचेस पेरिनियल, ये डीप थी, ये सुपरफिशियल थी। डीप पेरिनियल नर्व सप्लाइज द मसल्स ऑफ डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस, स्किन ऑफ वेस्टिब्यूल, म्यूकोसा ऑफ द इंफीरियर पार्ट ऑफ द वजाइना। और इन्फीरियर रेक्टल कौन देता था? पेडेंडल नर्व ना, पेडेंडल नर्व आके इन्फीरियर रेक्टल उस कनाल में देती है, एलकॉक्स कनाल में। इन्फीरियर रेक्टल नर्व कम्युनिकेट विद द पोस्टीरियर स्क्रॉटल और लेबियल पेरिनियल नर्व्स, ये इनके साथ कम्युनिकेट करती है। द डॉर्सल नर्व ऑफ द पीनस और क्लाइटोरस इज प्राइमरीली सेंसरी नर्व सर्विंग द मेल एंड फीमेल ऑर्गन especially sensitive glands at the distal end. ये क्या करती है? सेंसरी है तो सेंसिटिव पता होता है कि किस चीज के लिए सेंसरी, क्या होता है? टच, पेन, ये टेम्परेचर, ये सेंसरी होता है ना, तो इनके लिए ये। और डिस्टल एंड जो है सेंसिटिव हो जाता है, ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं, सेंसरी नर्व ये सर्व करता है कि मेल फीमेल ऑर्गन को, कि ये सेंसिटिव जो मेल फीमेल के ग्लैंड है इनके डिस्टल एंड पे ये सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इसको सेंसरी नर्व सप्लाई कर। अब जो है ये आपका सारा इस्क्यू एनल कनाल हो गया है। अब हम थोड़ा सा आते हैं आगे एक दो चीजों पे जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपको बताने। ये डायग्राम देखें, ये रेक्टम है। रेक्टम की बात क्या होता है? रेक्टम मैंने आपको पढ़ाई थी क्लास में, वो भी मैंने आपको रिवाइज करानी है। रेक्टम और उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? एनल कनाल कंटिन्यू, रेक्टम का एंड फिर कंटिन्यू हो जाता है एनल कनाल में। और इसके इंटरनल एनल स्फिंक्टर देखो, इंटरनल एनल स्फिंक्टर के बाद एक्सटर्नल है एनल स्फिंक्टर है। और ये आपकी पुडेंडल कनाल। अगर किसी ने ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें बड़ी बड़ा इजी हो जाता है कि आप इतना डिटेल ना लिखो और ये डायग्राम भी बना, मतलब डिटेल इतना नहीं, पॉइंट्स की सूरत में आप डिटेल लिखें और ये डायग्राम बनाए तो बिल्कुल सही है। जिस तरह यही है ना कि वो आके डिवाइड होती है इन्फीरियर रेक्टल में और उसके बाद पेरिनियल नर्व डीप और सुपरफिशियल में जाती है, तो ये एग्जैक्टली वही है, वही चीज है जो उन्होंने बना के दी है। अब आ जाते हैं, अब पेरिएनल स्पेस पे आ जाते हैं। पेरिएनल स्पेस है क्या? पेरिएनल स्पेस पेरिएनल फेशिया के बारे में, एक्सटेंड फ्रॉम द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन जो रेक्टम से गुजर रही थी, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन मीडियली टू द पुडेंडल कनाल लेटरली। ये जो इसे कहते हैं जो एनल कनाल के इस पे ये जो लाइन है इसे कहते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन।
वाइट लाइन ऑफ हिला पेरी एनल स्पेस के बारे में, पेरिनियल स्पेस के बारे में मैं बताती हूँ। पेरिनियल स्पेस में पेरी एनल फेशिया, पेरी एनल फेशिया एक्सटेंड किस तरह करता है, ये दोनों साइड पे जाएगा, यहाँ पे भी यही चीज है, ये एक्सटेंड करता है और ये जाता है कहाँ, किधर जाता है लिटरली, किसके साथ मिल रहा होता है, ये कौन सी कनाल है, प्यूडेंडल कनाल। इट सेपरेट्स अब इसने सेपरेट कर दिया, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन गई और वाइट लाइन ऑफ हिल्टन जो है इसने किसको सेपरेट किया, लार्ज सेप्टा और ये जो इंटर स्क्यूरेक्टल स्पेस है फिल्ड विद फैट, ये दो जो स्पेसेस हैं इनको सेपरेट करती है, सबकुटेनियस पेरिनियल स्पेस। अब इस जगह पे क्या है और इस जगह पे क्या है, ये जो लाइन है पेरी एनल फेशिया, ये क्या है, ये जो है ये लाइन पेरी एनल फेशिया नाती है। फेशियाज बड़े इम्पोर्टेंट हैं आपके, जो इसकी एनल फोसा है इसमें चार फेशियाज होते हैं, ये वाली जो लाइन है जो वाइट लाइन हिल्टन के साथ गई हुई है और फिर डेंडल कनाल तक, इसे कहते हैं पेरी एनल फेशिया या पेरेनियल फेशिया, पेरेनियल फेशिया है। इसके साथ आप एक और देखें, ये जो फेशिया गया है इसे कहते हैं लूनेट फेशिया। उसके बाद आप लूनेट फेशिया से बाहर आए थोड़ा सा लेटरली आप जाए तो ऑब्चुरेटर फेशिया, ये ऑब्चुरेटर फेशिया, इसके ऊपर आपका एक और फेशिया है ये वाला इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम। ये चार फेशियाज हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये किस तरह डिवाइड करते हैं स्पेसेस को। तो पहले ये जो वेज शेप स्क्यू एनल फोसा है इसको किस तरह डिवाइड करते हैं, लार्ज सेप्टर्स होते हैं और इसमें क्लोज या स्मॉल सेप्टर्स होंगे। पेरिनियल फेशिया एक्सटेंड फ्रॉम द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन टू द प्यूडेंडल कनाल लेटर। हियर इट डिवाइड्स सबकुटेनियस पेरिएनल स्पेस and ischio rectal space deep perianal space or ischio rectal space, ischio rectal space ye hai large septus ke sath deep hai aur subcutaneous jo hai perianal space hai, subcutaneous perianal space। Fat hair are tightly arranged in small locule with complete septa। अगर आप इस डायग्राम को देखें, हमने इस डायग्राम को ये देखना है कि ये तो पूरा फैट है, बिल्कुल फैट है, इसके अंदर फिर फेशियाज हैं, चार फेशियाज हमने पढ़े कि जब हिल्टन से आप सीधी लाइन ड्रॉ करें और लेटरली जाएं प्यूडेंडल कनाल तक तो ये जो इसकी फैट दो में डिवाइड हो जाती है, इस्क्यूरेक्टल और सबकुटेनियस स्पेस। जो इस्क्यूरेक्टल और सबकुटेनियस स्पेस है, इस्क्यूरेक्टल क्या है, लार्ज है और डीप है, और सबकुटेनियस क्या है, सबकुटेनियस पेरिनियल स्पेस, फिर ये दो में डिवाइड करते हैं, ये फैट्स हैं। अब ये फैट्स अगर आप इधर देखें इसकी डायग्राम और इधर देखें तो इधर ऐसे लूजली से बनाए हुए और यहाँ पे टाइटली से, तो यहाँ पे है फैट हेयर इज टाइटली अरेंज्ड इन स्मॉल लोक्यूल विद कंप्लीट सेप्टा। यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे अगर इस जगह पे अगर इन्फेक्शन हुई तो वो बहुत पेनफुल होती है,
पेनफुल होती है, पेशेंट को दर्द होती है, पेन होती है। अब है स्क्यूरेक्टल स्पेस। स्क्यूरेक्टल स्पेस लार्ज स्पेस है, देखो ना बड़ी है, डीप है। फैट अगर देख लो, फैट इज लूजली अरेंज्ड। इन्फेक्शंस आर लीस्ट पेनफुल बिकॉज स्वेलिंग अकर विदाउट टेंशन। यहाँ पे ये क्या होता है कि अगर स्वेलिंग हो भी जाती है, यहाँ पे इस तरह टेंशन नहीं होती, खिंच नहीं रही होती, तो इस वजह से यहाँ पे जब आपकी इन्फेक्शन होती है तो पेनफुल नहीं होती। और इसी जगह पे यहाँ पे जो इन्फेक्शन होते हैं, जो पेरिनियल फिस्टूलाज वगैरह बनते हैं, इसी साइड पे बन रहे होते हैं, अंदर अंदर एब्सेसिस बनी होती हैं, पेन तो हो नहीं रही होती, वो सिर्फ स्वेलिंग होती है। तो पेशेंट जब तक, पेशेंट कब जाता है हॉस्पिटल, पेशेंट उस वक्त जाते हैं जब उसको पेन होती है। और इस जगह पे खतरे वाली एक तरह से इस तरह बात हो जाती है कि पेन नहीं होती, पेन नहीं होती तो पेशेंट इग्नोर करता है, इग्नोर करता है तो फिर आगे एब्सेस, एब्सेस से आगे फिस्टुला बनता है। एब्सेस क्या होता है? एब्सेस होता है कि एक ब्लाइंड, आप एक कैविटी ले लें और उसके अंदर आपकी पस फिल्ड है लेकिन उसको कोई स्पेस नहीं मिलती बाहर निकलने, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करता है, वो अपने आप को एक स्पेस बनाता है, एक टनल सी बनाता है, एक्सटर्नली और इंटरनली। और वो इतनी अंदर अंदर की टनल्स, और इवन उसका एक जो टनल होता है एक्सटर्नली बाहर भी होता है, जहां से कभी भी पेशेंट सब जब फाइनल ईयर में जाएंगे और अपने मेडिकल उसमें जाएंगे, तो या इवन आप अपने रिलेटिव्स वगैरह में कुछ ऐसे जिनको पेरिनियल इश्यूज हो या पेरिनियल फिस्टुलास वगैरह, तो वो कहेंगे कि जी यहाँ पे पस पड़ रही थी, पस निकल रही है वहां से, सुराख से पस निकल रही। तो समटाइम्स फिस्टुला होता है जो कि ड्रेन होता है, और आप इसकी फिस्टुला के बारे में डिटेल से सर्जरी में पढ़ेंगे ज्यादा। अब फेशिया थोड़ा सा कर लेते हैं, इसका लूनेट फेशिया के बारे में। ये हमारा लूनेट फेशिया, लूनेट फेशिया डिवाइड दिस स्पेस इनटू सुप्रा टेगमेंटल स्पेस, सुप्रा टेगमेंटल स्पेस एंड टेगमेंटल स्पेस बिलो फेशिया। के ये जो लूनेट फेशिया है ये इसको सुप्रा टेगमेंटल स्पेस और टेगमेंटल स्पेस में डिवाइड करते हैं। और आपका इंफीरियर पेल्विक डायफ्राम, ये फेशिया है, ये देखें, लिविनेटर एनाई मसल्स देखें, ये आपका इस्कियो रेक्टल फोसा कंप्लीट हो गया। सिर्फ इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, क्लिनिकल जो अप्लाइड एस्पेक्ट होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। इसके रेक्टल एब्सेस हो सकता है, ये आपकी एब्सेस बन गई, एब्सेस बन जाती है, फिस्टुला इन एनो, बिल्कुल एनो फिस्टुला, कि ये ड्रेन करना शुरू हो जाती है, ड्रेन होती है ये आगे, ये जो एब्सेस होती है अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता और ये आगे फिस्टुलास बनाती है। पस इन द पेरिनियल स्पेस लीड्स टू सिवियर पेन। हॉर्सशू एब्सेस को आप छोड़ दें और इन एब्सेसिस को आप छोड़ते हैं, हाइटस श्वाब बे, फेलियर ऑफ ओरिजिनल लिविटर, अच्छा हाइटस ऑफ श्वाब बे या श्वाब बे, कुछ इसकी प्रोनंसिएशन श्वाब भी करते हैं, तो आपने जिस तरह प्रोनंसिएशन दो दो तीन जगह पे डिफरेंट इनकी प्रोनंसिएशन थी, हाइट ऑफ श्वाब फेलियर क्या है, फेलियर ऑफ क्यों होता है, हाइटस क्या है और ये फेलियर किस वजह से होता है। फेलियर ऑफ ओरिजिन ऑफ लिवेटर एन आई फ्रॉम द ऑब्चुरेटर फेशिया, ऑब्चुरेटर फेशिया से नहीं हो, लीडिंग टू हर्निएशन ऑफ पेल्विक विसरास इनटू द कोरिस्पोंडिंग स्क्यूरेक्टल फोसा। ये क्या होता है हायटस और शोबे में, ये होता है कि हर्निएशन हो जाता है। हर्निया आपने फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे एब्डोमेन में, आपके आपने हर्नियास पढ़ लिए, हर्नियस पढ़ लिए के हर्नियस क्या होते हैं, डायरेक्ट हर्निया क्या होता है, इनडायरेक्ट हर्निया क्या होता है, ये आपको सारा पता होना चाहिए और आता भी है, आपको पढ़ाया था आपको। तो ये जब
लिवेटर एनआई के ओरिजिन की फेल हो जाती है तो आगे से ऑब्चुरेटर फिशिया क्या करता है, क्या करेगा ये पेल्विक विसरस को क्या करता है, इसको एक कहां कहां पे आते हैं, हर्निएट कहां पे होते हैं पेल्विक विसरस इनटू इसको रेक्टल फोसा हर्निएशन इसको रेक्टल फोसा। ये आपका टॉपिक था इसको एंड फोसा। इसको एनल फोसा तो हो गया, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि हमने इसको एनल फोसा की इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, हमने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, हमने इसके कंटेंट्स पढ़े, हमने इसकी बाउंड्रीज पढ़ी और हमने इसकी नर्व सप्लाई, हमने इसकी जो नर्व थी इसके जो उसमें थे कनाल्स में और पेरेनियम को कौन सी नर्व का सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई भी पढ़ ली क्योंकि पेरेनियम ही है ना सारी जगह फिर वो पढ़ी और हमने इसका एलकोक्स कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई है वो जरूर 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 याद करनी है और एग्जाम में आते भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ही है एग्जाम में आते हैं और ये वाली जरूर बनानी है। और अगर अगर ये डायग्राम किसी को चाहिए कुछ होगा तो फिर मैं एचआर के जो एचआर वालों को मेल कर दूंगी तो आप लोग वहां से ये वाली ले सकते हैं, वरना आपके जो नेट है इंटरनेट है आप गूगल वगैरह पे ये पड़ी हुई है सारी, ऐसा कोई नहीं है कि आपको मिले कि नहीं, आपको बिल्कुल मिलेगी, आपने पढ़ने से आपके एमसीक्यूज आते हैं, ये आपको मैं बार बार कहती हूँ। अच्छा अब इसको एनल फोसा हमारा हो गया, इसको एनल फोसा के साथ अब हम करते हैं इसको एनल फोसा के साथ अभी मैंने आपको कराना है मेरी आवाज आ रही है? अच्छा इसको एनल फोसा के बाद मैंने आपको कराना है रेक्टम कराया था ना लास्ट टाइम मैंने आपको, हाँ रेक्टम 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 रिवाइज करा देती हूँ आपको। आवाज आ रही है आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को आवाज आ रही है, शायद ही मेरे को क्या हो गया इसको, अच्छा ये जो है रेक्टम, रेक्टम मैंने आपको पढ़ाया था रिवाइज करा लेती हूँ मैं आपको, रेक्टम रेक्टम क्या है, रेक्टम किसकी कंटिन्यूएशन है ये आपको सब पता है, इट बिगिंस इन इन फ्रंट ऑफ द थर्ड सैक्रल वर्टेब्रा और कंटिन्यूएशन किसकी है, सिग्मोइड कॉलोन की है, और जब ये रेक्टम एंड होता है तो क्या स्टार्ट होगा, एनल कनाल, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सिग्मोइड कॉलोन एंड एंड्स टू द एनल कनाल, इसकी लेंथ कितनी है 5 inches है, डाउनवर्ड जाएगा, इट फॉलोज द कर्व ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सेक्स, अगर अगर आपको कर्व की बात याद हो तो मैंने आपको क्लास में भी बताई थी कि सैक्रम और कॉक्सेक्स जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, सैक्रम और कॉक्सेक्स को लंबर से ये थोड़ा सा कर्व आता है, तो इसी तरह अलोंग विद द कर्व इट पासिस डाउनवर्ड एंड एंड्स इन फ्रंट ऑफ द टिप इन फ्रंट ऑफ द कॉक्सेक जो इसकी टिप पे होती है, लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम इज डायलेटेड, जो डायलेटेड पार्ट होता है रेक्टम का उसे क्या कहते हैं, रेक्टल एम्पियोला कहते हैं। स्क्रीन ही शेयर हो रही है आपकी। अच्छा कैसे करूं? साजिद मैं तो समझ गई शेयर हो रही है या किधर से होती है शेयर, ये करें साजिद या जी ये हो गया, ये शेयर स्क्रीन ये नो सर ये शेयर कर सी, अच्छा अब हो रही है शेयर, अच्छा सॉरी बच्चों स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो मुझे पता भी नहीं था, शायद मेरा पता नहीं कोई नेट में मसला हो गया था क्या था, चलें
रेक्टम एक दफा डिवाइड. जी मैम शेयर हो रही है, हो गई शेयर. अच्छा रेक्टम मैंने क्या कहा, रेक्टम किसकी कंटिन्यूएशन है? सिग्मोइड कोलन के बाद क्या आता है? रेक्टम आता है. और रेक्टम जब एंड हो रहा होता है तो क्या स्टार्ट होता है? एनल कनाल स्टार्ट होती है. रेक्टम अपने आप को अब डिसेंड करता है ना, ये तो नहीं कि रेक्टम असेंड करेगा. जब वो डिसेंड करता है तो अपने आप को किस तरह डिसेंड करता है? जो कर्व है सैक्रम और कॉक्सिक्स की, उसके सामने ही, उसी तरह उसके उस पर जाके उसको उसी तरह उसके साथ साथ पास होता है. और रेक्टम की लेंथ क्या है? 5 inches है, यानी इट इज 13 centimeter लॉन्ग. समटाइम्स आ जाता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टम. ओवरऑल रेक्टम पे कोई ना कोई नोट आता है. लास्ट से अगर 3 years बैक और 4 years बैक जो फाइनल ईयर है उनको रेक्टम आया था, ये मुझे अच्छी तरह याद है. जो द डायलेटेड पोर्शन ऑफ द रेक्टम, जो लोअर पार्ट होता है रेक्टम का, मैं डायग्राम मैं आपको दिखाऊं, ये आगे जो डायलेटेड पार्ट होता है रेक्टम का उसे कहते हैं रेक्टल एम्प्यूला, और वो लोअर पार्ट होता है रेक्टम का, ये रेक्टम एम्प्यूला. रेक्टम के बाद क्या स्टार्ट होता है? एनल कनाल. एनल कनाल के बाद क्या है? एनल कनाल को इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, फिर एनएसएल. रेक्टम को किसने लाइन किया होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन ने, ठीक है. इसके मसल्स होते हैं, कौन कौन से मसल्स होते हैं? इनर सर्कुलर मसल्स होते हैं और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं. और इसमें इम्पोर्टेंट ये देखो, ये लिवेटर एंड आई मसल, ये क्या है? ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है फैट, ये क्या है? कौन सा वाला फैट है? सॉरी कौन सा फोसा है? इसकी एनल फोसा. अब रेक्टम को पेरिटोनियम ने किस तरह कवर किया? अपर थर्ड में डिवाइड है, लो मिडिल थर्ड में डिवाइड है और लोअर थर्ड में डिवाइड है. अपर मिडिल थर्ड और लोअर थर्ड. अपर थर्ड में पेरिटोनियम जो है क्या करता है? एंटीरियरली भी कवर करेगा और लेटरली भी कवर करेगा. फिर जो एंटीरियरली भी कवर करेगा और लेटरली, फिर जो मिडिल थर्ड को किस तरह कवर करता है पेरिटोनियम? मिडिल थर्ड को सिर्फ एंटीरियरली कवर करता है, सिर्फ एंटीरियरली कवर करता है. अब लोअर थर्ड की बारी आ रही है, ये लोअर थर्ड ऑफ द रेक्टम को किस तरह कवर करता है? लोअर थर्ड ऑफ द रेक्टम को पेरिटोनियम नहीं कवर करती, पेरिटोनियम नहीं कवर करती. ये इंपॉर्टेंट बात है कि पेरिटोनियम नहीं कवर करती. ये मैंने आपको बता दिया, म्यूकस मेम्ब्रेन इसको सराउंड करता है, ये देखो कवर करती है. ये मैंने आपको बता दिया, इसके मसल्स बता दिए, लॉन्गिट्यूडनल इनर है. और इसके एक और बात थी जो कि टच और उसके लिए थी, यस उसके लिए कि सेंसिटिव किसके लिए रेक्टम, किसके लिए सेंसिटिव. ये अक्सर ऐसी वाइवा में पूछ लेते हैं कि किसके लिए रेक्टम सेंसिटिव है. तो रेक्टम स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव है, ठीक है. रेक्टम जो है वो स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव है. रेक्टल की ब्लड सप्लाई देख लें, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, फिर मिडिल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ये इसकी ब्लड सप्लाई है. और मेल और फीमेल में जो रेक्टम है इसके जो रिलेशंस हैं वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि फीमेल में यूट्रस होगा और मेल में प्रोस्टेट होगा. तो ये मेल है, ये हमारे पास ये रेक्टम होगा, ठीक है. इंटरनल स्फिंक्टर से ऊपर ये रेक्टम,
रेक्टम के साथ, फिर रेक्टम के बाद एनियल कैनाल, और फिर अच्छा रेक्टम, ये हमारे पास मेल का मॉडल है, और ये नीचे दूसरा वाला आप देखो ये फीमेल का मॉडल है, फीमेल का मॉडल है क्योंकि यूट्रस है, यूट्रस है, ये डिफरेंस है, और इनके फिर रिलेशन भी डिफरेंट होते हैं। ये डायग्राम दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो मैंने आपको ये रेक्टम की रिलेशन बताई, ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये डायग्राम कितने टॉपिक्स में यूज होते हैं। अगर आप लोगों को ये डायग्राम याद हो गए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और हाँ, आप लोगों ने जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाए सेकेंड ईयर, जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डॉक्टर ज़ारा पढ़ा रही हैं, जो भी पढ़ा रही हैं सेकेंड ईयर को, आप लोगों ने अपनी स्केच कॉपीज कंप्लीट करनी है, कलर डायग्राम्स, जिस तरह मैंने इसक्यू रेक्टल फोसा पढ़ाया है, इसक्यू एनल फोसा पढ़ाया, आपने उसकी स्केच कॉपी बनानी है, आपने स्केच कॉपी पे वो बनानी है, और ये नहीं कि आंखें बंद करके ड्रॉ करनी है, आपने उनके नाम याद करने कि क्या क्या इसके हेडिंग्स थी। ये रिलेशंस थोड़ा सा कर लेते हैं, अपर टू थर्ड मेल में देखें और फीमेल में देखें तो क्या डिफरेंस है। अपर टू थर्ड ऑफ द रेक्टम इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है, और फीमेल में क्या है, अपर टू थर्ड ऑफ द रेक्टम इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, एग्जैक्टली सेम है। It is related to the sigmoid colon and coils of the ileum that occupies the rectovesical pouch. ठीक है? और यहाँ पे क्या है? It is related to the sigmoid colon and coils of ileum. ये related है sigmoid colon coils. और इसे क्या कहते हैं? इस pouch को क्या कहते हैं? Recto uterine pouch. Lower third of the rectum. जी. हाँ जी, हो गया. अच्छा. Stop share कर रहे हैं. मोर कहाँ से? अच्छा, चलें क्लास, ये आपके टाइम हो गया है, और आप लोगों ने आज इसके एनल फोसा जरूर पढ़ना है बेटा, और आपने एटलीस्ट जरूर खोल के रखनी है जब भी आपको पढ़ाया जाए, और स्केच कॉपीज और ये साथ साथ पढ़ाएं और याद करना है। थैंक यू।